तो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस फ्री फायर के अंदर आपने एक चीज तो नोटिस की होगी, आपके फ्री फायर के अंदर डिलीट अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये रहा नीचे की साइड पे। तो गाइस ये रहा डिलीट अकाउंट, यहां पर कंफर्म करते डिलीट होगा या नहीं होगा। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं कैसे डिलीट करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, वो भी बताने वाला हूं। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि आपको यहां पर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्लस अपडेट दिया जाता है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। सबसे पहले आपको सेटिंग में क्लिक कर देना है। सेटिंग में आने के बाद में आपको करना क्या है, ये रहा आपका डिलीट अकाउंट का ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अभी हम सिंपली इस पर कंफर्म पर क्लिक करते हैं, यानी कि इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये बोला है डिलीटेड अकाउंट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड, यानी कि आपका अकाउंट डिलीट कर दे तो रिस्टोर नहीं होगा, दोबारा से अकाउंट आपको कभी नहीं मिलने वाला। तो गाइस कंफर्म करके देख लेते हैं, आपको सिखाने के लिए इतना तो करना बनता है कि स्क्रीनशॉट ले लेते कि हम दिखा सकते कि हमने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। तो गाइस ये होने के बाद में अभी हम करते हैं इसको सिंपली कंफर्म। तो गाइस इसके लिए एक वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों हमारा अकाउंट हो चुका है सक्सेसफुली डिलीट, भाई बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। तो गाइस टेंशन की बात नहीं है, ऐसे इतनी आसानी से हमारा अकाउंट डिलीट नहीं होने वाला। अभी यहाँ पर गैरेना की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, अभी आपको दिखा दो तो करना क्या आपको। तो गाइस ये ओपन हो रही है, ये अकाउंट डिलीट हो गया अभी पता चल जाएगा, ये ओपन हो रही है। तो गाइस हमारे वेबसाइट ओपन हो चुकी है गैरेना की, और यहाँ पर बोल रहा है माय रिक्वेस्ट सबमिट है न्यू रिक्वेस्ट, यहाँ पर आ चुके हैं। नीचे आने के बाद आपको अपनी UID देखने को मिल जाएगी, अपना नाम देखने को मिल जाएगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। तो गाइस यहाँ पर आपको लिख लेना है कि मेरा अकाउंट मुझे डिलीट करना है, यहाँ पर लिखा हुआ अकाउंट डिलीशन रीजन। तो गाइस इसमें रीजन लिख सकते हो कुछ भी, कि मेरे को पढ़ाई करनी है इंग्लिश में आपको लिख देना है, और मैं पढ़ाई इसमें नहीं कर पा रहा जो भी है, तो इसके कारण आप यहाँ पर रीजन लिख देना। उसके बाद में अकाउंट डिलीशन कन्फर्मेशन, इस पर आपको टिक लगा देना है। उसके बाद में स्क्रीनशॉट ऑफ इन गेम प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल का एक स्क्रीनशॉट आपको लगा देना है, और स्क्रीनशॉट आपको कहाँ पर लगाना है, यहाँ पर लगा देना है। तो गाइस यहाँ से स्क्रीनशॉट आप सिंपली यहाँ से सबमिट कर सकते हैं, यहाँ पर अप टू अभी स्क्रीनशॉट अपलोड हो रहा है। उसके बाद मैं आपको बता दूं तो इतनी आसानी से इसमें भी डिलीट नहीं होगा। अब दोस्तों ये सबमिट करने के बाद में भी आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा, आपको एक और प्रोसेस करना पड़ेगा। आपको मेल आएगा, आपको जो भी फ्री फायर अकाउंट जिससे कनेक्टेड है उस पर मेल आएगा, उस मेल के अंदर यूनिक कोड आपको दिया जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, और उसमें जो भी लिंक है उसके अंदर अटैच कर देना है, और सारी प्रोसेस कर लेते हो उसके बाद में भी आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा। ये बोला 30 दिन तक आपको अपने मोबाइल में इस अकाउंट को लॉगिन नहीं करना है जिसको डिलीट करना है। अगर आपने एक बार भी लॉगिन कर लिया तो आपकी ये एप्लीकेशन है ये हो जाएगी बंद। अगर आपने 30 दिन तक एक बार भी लॉगिन नहीं किया तो आपका फ्री फायर का अकाउंट परमानेंट डिलीट हो जाएगा। अब दोस्तों जो भी अपने फ्री फायर के परमानेंट अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो भाई मुझे दे दो यार, क्यों डिलीट कर रहे हो। और ऐसे अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको सिखाता रहे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।